तसोहुम व इन तुसिब का मुसीबत उन यकुलद नामा मिन कबल जब आपको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये खुश होते हैं और जब खुशी पहुंचती है तो ये गमजदा होते हैं तो ये भी एक मुनाफिक की अलामत है कि आप देख लिया करें अपने दोस्त अहबाब में अपने साथ बैठने वाले लोगों में जो भी आपकी मुसीबत पर खुश हो रहा है इसका मतलब ये दो नंबर है और जो आपकी खुशी पे हसद का शिकार हो रहा है तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब ये भी दो नंबर आदमी है तो एक नंबर आपके हकीकी दोस्त वही हैं जो आपकी खुशी पे खुश और आपके गम पे गमज़दाऊँ आगे अल्लाह ने अगली आयत में तोल का बेहतरीन तरीका बताया है कुल नई उसीब अनामा कतबल्ला हुआ मऊलाना वायल्ला फ़ली तोलमून ये बहुत अहम आयत है क्या नबी आप इन मुनाफ़ी से कह दीजिए कि हमें वही मुसीबत पहुंचती है जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दी है वो हमारा दोस्त है और मोमिनों को अल्लाह ही पर तोल करना चाहिए देखें ऑर्डर तवक्ल का बाद में दिया जा रहा है कि मोमिन को चाहिए अल्लाह पर तवक्ल करे ऑर्डर है ना तोल का तरीका पहले सिखाया जा रहा है दो तरीके सिखाए हैं एक ये कि जब भी कोई मुसीबत पहुँचे भाई ये तो हमारे मुकदर में लिख दी थी तो जो चीज़ अल्लाह के इल्म में पहले से थी और अल्लाह ने तकदीर में लिख दी थी उस पर गम किस बात का जो काम होना ही था जो तयशुदा है उस पर किस बात का गम तो एक तो इस तरह से इंसान को अल्लाह पे तोल करना चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करेंगे मुसीबत अगर मुकद्दर हुई तो वह वैसे भी आके रहेगी नहीं मुकद्दर हुई तो नहीं आएगी लिहाजा हमने एतमाद किस पे करना है अल्लाह पे और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी तो इस तरह से इंसान में अल्लाह पे तवक्कुल बन पैदा होता है और उसको सुकून मिलता है तो एक तरीका तो ये दूसरा अल्लाह ने क्या बताया हुआ मऊ ना वो हमारा दोस्त है दोस्त जब आपका खैर ख्वा होता है तो वो अगर कोई मुसीबत आपको पहुंचा रहा है तो आपके फायदे के लिए जैसे कोई डाकू अगर छुरा लेके आपको काटना शुरू कर दे आप चीखेंगे चिल्लाएंगे उसको कत्ल करने की कोशिश करेंगे डिप्रेशन में जाएंगे लेकिन यही काम कोई माहिर सर्जन आपको बाकायदा लिटा के चीर फाड़ शुरू कर दे तो इस चीर फाड़ के आप उसको पैसे देते हैं इसलिए कि डॉक्टर को आप अपना खैर ख्वाह समझते हैं आप समझते हैं अगर मेरा पेट काट रहा है तो मेरे फायदे के लिए काट रहा है ये और डाकू काट रहा है तो ये आपके फायदे के लिए नहीं काट रहा तो कुरान ने तवक् का दूसरा तरीक़ा क्या बताया सुकून का टेंशन ख़त्म करने का कि जो भी मुसीबत पहुँचे अल्लाह की तरफ से नंबर एक नंबर दो अल्लाह हमारा खैर है वो हमारा बुरा नहीं सोचता तो मुसलमान के लिए ये दो बहुत अहम पॉइंट हैं दो बहुत अहम बातें हैं के लिए जिससे उसका गम ख़त्म होता है और काफिर के पास तसली के लिए कोई ऐसा जुमला नहीं है जिससे उसको मुसीबतों में तसली हो अगला जो अगली जो आयत है कोलहलता रबसू नबीना अला अहदल हस्नयीन ए नबी आप मुनाफिन से कह दीजिए कि तुम इंतज़ार कर रहे हो कि अल्लाह हमें दो अच्छाइयों में से एक देगा यानी क्या मतलब हमें जंग में या तो शिकस्त हो जाएगी सबर का सवाब मिलेगा शहादत का सवाब मिलेगा और अगर फ़तह हो गई सुबहानल्ला फ़तह तो फ़तः है फिर दुनिया में हमें अल्लाह इज़्ज़त देगा माल गनीमत देगा हुकूमत देगा हमें तो ये भी मोटिवेशन के लिए कितनी ज़बरदस्त बात है मुसलमान को किसी हाल में परेशान होने की इजाज़त नहीं है बुखारी मुस्लिम की हदीस में इस मजमून को और अच्छे अंदाज से यानी और दूसरे अंदाज से बयान किया गया और डिटेल में वो क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आज बल्ली अमरमोमिन अमरूल खैरबत हो सर्राउर फ़कान खैर व इन असाबत हो फ़क़ान इल्ला वही मोमिन नबी ने फरमाया मुसलमान का मामला बड़ा अजीब है इसे खुशी पहुंचती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है इस शुक्र से इसके दर्जा और बुलंद होते हैं ये शुक्र इसके लिए मजीद खैर का जरिया बन जाता है और अगर इसे कोई टेंशन पहुंचती है सबर करता है ये सबर इसके दर्जात की बुलंदी का जरिया बन जाता है इसके लिए खैर का जरिया बनता है और आखिर में आपने फरमाया ये ऑप्शन मोमिन के अलावा किसी और के पास नहीं है काफिर के पास ही ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो इसको अल्लाह की तरफ से समझता ही नहीं है तो यही इस आयत में बयान किया गया है कि हमें तो दो अच्छाइयाँ ही पहुँचेंगी यानी जिसको तुम बुराई कह रहे हो वो भी हमारे हक़ में अच्छाई है तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई गम आए परेशानी आए कोई टेंशन आए तो आप समझें ये देखने में टेंशन है हकीकत में तो कुरान इसको भी हुसना कह रहा है हुसना का मतलब हुसन से निकला है ना हसन हुसन हसीन ये सब एक ही मादे के निकले हुए अल्फाज हैं अच्छाई तो हमें तो, हमें तो हमेशा अच्छाई ही पहुँचती है मुसलमान को बुराई नहीं पहुँचती कभी भी और इसके बरस जो काफिर और ख़ुदा के बागी और नाफ़रमान है तो कुरान उनके बारे में कह रहे हैं न तरब बसुब भी कुम आयुसी बकुमल्लाउ बदना तो तुम अपनी खुशियों पर इतराओ नहीं या तो अल्लाह हमारे ज़रिए अज़ाब देगा या खुद ही अजाब दे देगा ऐसा ही होता है इनकी आप बुढ़ापा देख लें इनकी मौत देख लें फिर मौत के बाद की जिंदगी तो कुरान ने बयान की तो बहुत भयानक है तो कभी भी अल्लाह के नाफ़रमान की जाहरी हालत से मुतासर हमें नहीं होना चाहिए आगे हम चलते हैं क़ुल फिको तो अवकर हन लई यू तकबल अमिन को ए मुनाफिको तुम खुशी से ख़र्च करो या मजबूरी में अल्लाह सदक़े को तुम्हारे कबूल नहीं करेगा इससे हमें ईमान की वैल्यू का ईमान की अहमियत का पता चलता है जो जोशस तोहद परस नहीं है रिसालत का मुनक्र है किसी भी तरह से इस्लाम की बेसिक जो अक़ीदे हैं उनका इनकार करता है जो इस्लाम से ख़ारिज है तो कुरान हदीस में ये मजमून बहुत अहतमाम से बयान किया गया है कि उसकी नेकियां राई के एक राख के पहाड़ के बराबर है जो देखने में बहुत बड़ा लगता है फूक मारो तो पूरा पहाड़ गायब तो काफिर जितनी नेकियां कर रहे हैं बस दुनिया में उनको इसका अजर मिल अल्लाह देना चाहेगा तो दे देगा दुनिया में शोहरत इज्जत दौलत की सूरत में आखिरत में कुछ भी नहीं है और मुसलमान जो ईमान वाला है हदीस में आता है आधी खजूर के जरिए भी बाज़ दफ़ा जहन्नम की आग से अल्लाह बचा लेते हैं हदीस में आता है ना एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और अल्लाह ने उसको बख्श दिया तो इसलिए ईमान पे कभी सौदेबाजी ना करें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कितने मुसलमान इस्लामी कंट्रीज से यूरोप अमेरिका की तरफ जाते हैं गैर मुस्लिमों में रहते हैं और वो भी कु... कलम कुफर कहना शुरू कर देते हैं उनको अपने ईमान की वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है वो भी इस्लाम पे इसी तरह से एतराज़ा शुरू कर देते हैं इसको हल्का समझते हैं वो तो ये हल्का नहीं है अल्लाह की नज़र में ये बहुत बड़ा मामला है इससे आपकी सारी नेकियों की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी आपकी तो ईमान की कदर करें मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये जो दुआ कुरान में आती है ना रबना ला तुज़लू बना बाद इज हद तना वहब लना उनका रहमा इन का अंतल वहाब ये दुआ ऊलमा कहते हैं बार बार मांगनी चाहिए अल्लाह जब तूने हमें एक दफ़ा ईमान की तोफ़ीक़ दे दी तो अब हमें ईमान से हरगिज़ हमारे दिलों को फेरना नहीं तू मौत हमारी ईमान पर ही हो खात्मा हमारा ईमान पर हो वला सलात तू ना को अल्लाह ने मुनाफिक की अलामत बयान की कि ये नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ सुस्ती क्यों होती है इनका अल्लाह रसूल पर ईमान ही नहीं है तो इससे पता चलता है कि नमाज में अगर आपने लदत पैदा करनी है ना तो जिसके लिए नमाज पढ़ी जा रही है उसका इस्तेहजार पैदा करें उसकी अजमत दिल में पैदा करें उसकी मोहब्बत पैदा करें इससे आपको नमाज में लुत्फ और मज़ा आना शुरू होगा फला तो अजीब काम वालम वला उलाद हम इसमें हमें सबक मिलता है कि नाफरमान के माल औलाद देखकर कभी भी मुतासर नहीं होना चाहिए और इससे भी पता चलता है कि औलाद की कसरत हर दौर में पसंदीदा समझी जाती थी पहले ज़माने में लोग फ़ख्र करते थे तो ये हमें नेचर के ख़िलाफ़ फैमिली प्लानिंग वालों ने चला दिया है कि दो बच्चे ही अच्छे तो औलाद की कसरत जैसे माल की कसरत काबिल फ़्र है तो ऐसे औलाद भी थी तो काफिर भी इस पर फ़्र करता था अब जहा वो फैमिली प्लानिंग वालों ने सारा सिस्टम ही उल्टा कर दिया है और आखिरी जो बात हमें पता चलती है वो मिन हूँ मई अलमिज़ू का फिर सदक़त के ऐसे लोग भी होते हैं कि जब तक आप उनको देते रहेंगे तो खुश रहेंगे देना बंद कर दिया तो नाराज़ हो जाएंगे ऐसे रिश्तेदारों में भी होते हैं कि आप देंगे तो खुश रहेंगे देना बंद किया तो नाराज़ ये नहीं देखेंगे कि यार पहले भी इसने दिया है हमें हालांकि हम मुस्तक तो नहीं थे तो इस तरह के नाशुकरे लोगों से भी होशियार रहना चाहिए और ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हम इन नाशुग्रे में तो नहीं है औलाद पर वालदेन कितना एहसान करते हैं जब कभी थोड़ी सी कोताही होता है औलाद कैसी नाफ़रमान बन जाती है तो उनके एहसानात के बोझ तले हम दबे हुए हैं औरत पे शोहर एहसान करता है कभी ऊंच नीच हो जाए तो वो नाशुगरी पे आ जाती है